सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे, एक का नाम था रतन और दूसरे का नाम था किशोर। किशोर बहुत आलसी और लालची था, देर से जागता, देर से काम पर जाता और हर काम देर से करता। वहीं रतन बहुत चुस्त और ईमानदार था, वह सुबह रोज जल्दी उठता और लकड़ियां काटकर अपने घर वापस आ जाता। बड़ी मीठी नींद आ रही थी, चलो अब उठ ही जाता हूँ। अरे ये रतन इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है लकड़ियाँ लेकर, इतनी भी क्या जल्दी है। हर रोज की तरह रतन एक दिन पास के जंगल में नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसे प्यास लगी, बहुत थक गया, चलकर थोड़ा नदी से पानी पी लेता हूँ। रतन अपनी कुल्हाड़ी बगल में रख नदी से पानी पीने लगा। अचानक उठते हुए रतन का पैर कुल्हाड़ी पर पड़ा और कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा, मेरे पास तो नई कुल्हाड़ी लेने के भी पैसे नहीं है, अब क्या होगा, हे भगवान मेरी मदद करो। रतन उदास हो गया और रोने लगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नदी से देवी बाहर आई और रतन से कहा, रतन क्या हुआ पुत्र, चुप हो जाओ। देवी माँ, आप माँ, मेरी कुल्हाड़ी गलती से पानी में गिर गई है। रोना बंद करो पुत्र, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढती हूँ। देवी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं देवी माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो शायद ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। इस बार देवी के हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। नहीं देवी माँ, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है रतन? जी देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रतन की खुशी का ठिकाना न था। तब देवी ने कहा, रतन ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। जब देवी रतन को कुल्हाड़ी दे रही थी, तभी किशोर वहाँ पहुँच गया और पेड़ के पीछे छुपकर सब देखने लगा। रतन ने तीनों कुल्हाड़ी ली, देवी को प्रणाम किया और घर की तरफ चल पड़ा। अच्छा तो इस नदी में देवी है, रतन को देवी ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी, मुझे भी तो मिलनी चाहिए। रतन के जाते ही किशोर ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। देवी फिर से प्रकट हुई, उन्हें देख किशोर बोला, देवी माँ मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्यों नहीं पुत्र, ये देखो पुत्र। देवी माँ ने किशोर की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ। देवी ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? बिल्कुल नहीं माँ। अंत में देवी माँ एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। पुत्र क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जी जी देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। किशोर कुल्हाड़ी देख बहुत खुश था। झूठ, तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो किशोर कि अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं पहचान सके। जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से, तुम जैसे आलसी और लालची को जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। किशोर अपनी गलती पर पछताया और रतन अपनी ईमानदारी के कारण धनवान बन गया। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लालाजी रहते थे, उन्हें खाने का बहुत शौक था, सारा दिन लालाजी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई, बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं, आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना, अब जल्दी बताओ रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए।
और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई, अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए आप भी खाएं, ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन, यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी, मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से दो बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा अच्छा, बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, चक्कर देखती हूँ। वाह स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था, अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या, यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है। जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा, बैंगन खा लिया, यह क्या किया तुमने, आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे। पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे राजू और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे, बहुत मेहनत के बाद ही वे अपना गुजारा कर पाते थे। राजू मिट्टी के बर्तन बनाता और उसकी पत्नी उन पर रंग लगाती। सुनो जी, अब ये सब काम छोड़ो और खाना खा लो, इतने दिन बीत गए एक भी बर्तन नहीं बिका, ना तो अब हमारे पास पैसे बचे हैं और ना खाना, आकर खाना खा लो, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। आता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कोई है, भिक्षा दे दो बेटी, कई दिन बीत गए कुछ नहीं खाया। जरूर। राजू की पत्नी ने अपनी थाली दरवाजे पर खड़ी बुढ़िया को दे दी। ये लीजिए माँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया बहुत खुश हुई और भोजन करने लगी। बेटी मांगो, क्या चाहती हो, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। तुरंत बुढ़िया देवी में बदल गई। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, तुम जो चाहोगी वही होगा बेटी। सच देवी माँ, धन्यवाद, मैं अपने पति के साथ सोच समझकर वरदान मांगूंगी माँ। अरे आओ मालती, कहाँ रह गई, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो गया है। अभी आई। बुढ़िया के जाते ही मालती दौड़ती हुई अपने पति के पास आई। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है। देवी माँ ने हमें 3 वरदान दिए हैं, अब हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। जानते हो वो बुढ़िया नहीं, स्वयं साक्षात देवी माँ थी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। कितने दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया, काश हमारे पास कुछ स्वादिष्ट खाने को होता। तभी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उनके सामने आ जाते हैं। अरे यह क्या हुआ, तुम्हारी बात तो सच साबित हो गई। ओहो, ये क्या किया मैंने, एक वरदान बर्बाद कर दिया। चलो छोड़ो, खाना खा लेते हैं। यह है क्या, कोई मिठाई नहीं, बिना मिठाई खाए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी सभी थालियां मिठाइयों से भर जाती हैं। यह क्या, इतनी मिठाइयां किस काम की, इन्हें तो हम एक दिन में नहीं खा सकते। तुम ठीक कहते हो, इन्हें संभाल ले तो कई दिन तक खा सकते हैं, है ना। ऐसा कहते ही सारी मिठाइयां
एक बड़े कनस्तर में बंद हो गई और देखते ही देखते तीनों वरदान खत्म हो गए। अरे यह क्या मालती, हमने तीनों वरदान खत्म कर दिए। हाँ जी, बातों बातों में तीनों वरदान चले गए और हमें पता ही नहीं चला। सोने का अंडा। सुभाष नाम का एक गरीब मजदूर था। वो दिन भर मजदूरी करता और अपना घर चलाता। एक दिन सुभाष काम से लौट रहा था, तभी उसे एक घायल आदमी मिला। सुभाष उसे अपने घर ले गया। उस आदमी के साथ एक बत्तख भी थी जो सुभाष के साथ आ गई। सुभाष और उसकी पत्नी ने उस आदमी की खूब देखभाल की और होश में आते ही उस आदमी ने सुभाष और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया और अपनी बत्तख देकर वहां से चला गया। अगले दिन सुभाष की पत्नी ने देखा, अरे ये मुर्गी तो सोने का अंडा देती है, अब तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। अरे अरे जल्दी आओ देखो। अरे वाह, सोने का अंडा। सुभाष ने अंडा लिया और सुनार को बेच दिया। अगले दिन फिर मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। अब हर सुबह सुभाष अंडा लेकर सुनार के पास जाता और उसे बेच देता। उन पैसों से जो चाहे वह करता। अब उसके पास एक बड़ा सा अच्छा घर था और हर सुविधा थी। सुभाष अब मजदूरी छोड़ चुका था और वह अब मजबूर जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन दुगने पैसे कमाता था। ये लो पैसे, तिजोरी में रख दो और मुझे हिसाब कर कर बताओ तिजोरी में कितने पैसे हैं। सुभाष की पत्नी सारा हिसाब उसे बताती है। बस इतना ही, हद हो गई, इतनी मेहनत करता हूँ बस इतने कम पैसे। सुभाष गुस्से से आग बबला हो गया। तभी उसकी नज़र बत्तख पर गई। जरूर इसके पेट में अंडे छुपे हैं, आज सारे अंडे एक साथ निकाल देता हूँ। सुभाष ने बत्तख को मार दिया, मगर बत्तख के अंदर से कुछ नहीं निकला और सुभाष अपने लालच और गुस्से के कारण सब कुछ खो बैठा। ये आपने क्या किया? प्लीज सब्सक्राइब।